हुस्न हाजिर है हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने कोई पत्थर से चाचा ये गाना बंबई वाले हुस्न हाजिर है हाँ हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से हाँ हाँ कोई पत्थर से ना मारे भैया गीत की तरफ ध्यान देना पेड़ हल्का माधव भाई कहावत दुनिया में शब्द तो आप तक साथ पहुंच रहे होंगे मेरे समझने की कोशिश करेंगे तो कहावत दुनिया में कहावत दुनिया में देखा तो यही पाई है कहावत दुनिया में देखा तो यही पाई है कहावत दुनिया में देखा तो यही पाई है क्या क्या पाई है इधर में जाऊं तो कुआ इधर में खाई इधर में यही पाइए इधर में जाऊं तो कुआ इधर में खाइए अब पहला बन सुने मामा मारीच के दसकंदर पास आया है मामा मारीच के दसकंदर पास आया है दसकंदर रावण जब सीता माँ का हरण करने के लिए रावण के मन में विचार आया कि सीता का हरण कैसे होना चाहिए मामा मारीच के दसकंदर पास आया है अब मामा मारीच के पास आया हिरण बनने का वो हिरण बनने का संदेशा साथ लाया है हिरण बनने का संदेशा साथ गीत आपके भले भांति समझ में आएगा लेकिन समझने की कोशिश करें मामा मारीच के दसकंदर पास आया है हिरण बनने का संदेशा साथ लाया है अब रावण ने मामा मारीच से कहा कि मामा रूप मृग का बनाना मृग में हिरण रूप मृग का बनाना सिया का मन रिझाना रूप मृग का बनाना सिया का मन रिझाना रूप मृग का बनाना सिया का मन रिझाना राम को दूर लेकर राम को दूर लेकर चला कुटिया से चला मारी
चला कुटिया से जाना, यानी कि अपने पीछे पीछे भगवान श्री राम को ले जाना। अब सोचा सोचा मारीच ने, सोचा मारीच ने, मामा मारीच के मन ये ही सोच भाई है। अब सोच क्या भाई, इधर में जाऊं तो कुआ, इधर अब इधर में जाऊं तो कुआ, इधर में खाइए। इसका महत्वपूर्ण मतलब क्या है? रावण ने ये कहा कि अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मामा मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगा। तो मामा मारीच ने सोचा, शुक्रिया, मामा मारीच ने सोचा कि आज अगर मैं रावण की बात नहीं मानता हूं तो मुझे रावण मार देगा, और अगर हिरण बन के वहां चला गया तो भगवान श्री राम मार देंगे। तो इससे अच्छा इस पापी के हाथों न मर के मैं भगवान श्री राम के हाथों मरूं तो मेरा उद्धार तो हो जाएगा। इधर में जाऊं तो कुआं, इधर में खाई, इधर में जाऊं तो कुआं, इधर में खाई, इधर में जाऊं तो कुआं, इधर में गीत आपकी समझ में आया कि नहीं आया? बेटा मस्जिद सीधे बजा, नो क्रिकेट नो क्रिकेट। अब सुने दूसरा बंद, अवध के अंदर तुरबा सा चले आए हैं, अवध के अंदर तुरबा सा चले आए हैं, अवध के अंदर तुरबा सा चले आए हैं, खड़े पहरे पे हो, खड़े पहरे पे लक्ष्मण जी वहां पाए हैं, खड़े पहरे पे लक्ष्मण जी वहां पाए हैं। न पश्चाताप का डर, न अपने आप का डर, न पश्चाताप का डर, न पश्चाताप का डर, न अपने आप का डर, इधर में राम का डर, उधर में सांप का डर, इधर में राम का डर, उधर में सांप का डर। सोचा उस पीर ने, लक्ष्मण जी ने सोचा, सोचा उस वीर ने निश्चित ही मौत आई है, सोचा उस वीर ने निश्चित ही मौत आई है, इधर में जाऊं तो कुआ, इधर अब इधर में जाऊं तो कुआ, इधर में खाइए। ये समस्या कैसे बनी? एक दिन भगवान श्री राम से मिलने के लिए एक ऋषि आए। ऋषि ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु श्री राम, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। गीत को सुने, मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब भगवान श्री राम ने कहा कि बताओ शर्त क्या है? तो उस ऋषि ने कहा कि शर्त मेरी ये है कि आप जब तक मैं और तुम दोनों कमरे के अंदर रहेंगे तब तक उसके अंदर दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई आ न जाए। अगर तीसरा व्यक्ति कोई आएगा तो उसे आप मृत्यु दंड दोगे। भगवान श्री राम ने कहा कि अगर तीसरा व्यक्ति मेरी बिना इजाजत के अंदर आता है तो उसको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को पहरे पर खड़ा कर दिया कि मेरे प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण, आप गेट पर पहरा देते रहिए, जब तक मैं न कहूं तब तक कोई तीसरा व्यक्ति अंदर आ न जाए।
इतने में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोध वाले व्यक्ति थे। दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, मुझे राम से कुछ बात करनी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे रिसीवर, इस टाइम भैया किसी काम में बिजी हैं, उन्होंने मुझसे मना किया है, अंदर कुछ बातचीत चल रही है आपस में, उन्होंने कह दिया है कि जब तक मैं न कहूं मेरी इजाजत के बिना तीसरा व्यक्ति अंदर कोई ना आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अरे तुम मेरे वचन को टाल रहे हो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, इस पूरी अवधपुरी को श्राप दे दूंगा। अब लक्ष्मण ने सोचा कि अगर मैं दुर्वासा ऋषि की बात नहीं मानूंगा तो मेरी खातिर इस पूरी अवधपुरी को श्राप लग जाएगा, और अगर मैं अंदर चला गया तो भगवान श्री राम मुझे मार देंगे। तो हुआ क्या, सोचा लक्ष्मण ने निश्चित ही मौत आई है, क्यों इधर में जाऊं तो हुआ इधर में आई, इधर में जाऊं तो हुआ इधर में आई है, इधर में जाऊं तो हुआ इधर में आई साथ बोलेंगे, इधर में जाऊं तो कुआ। अब सुने गीत का अंतिम मंत्र, मौत दोनों तरफ देखी तो वो घबराया है, मौत दोनों तरफ देखी तो वो घबराया है, मौत दोनों तरफ देखी तो घबराया है, राह वो रोकने हनुमान जी आया है, राह वो रोकने हनुमान जी आया है, राह वो रोकने हनुमान जी आया है, जो बैठा भक्त पाया काल ने मी कहाया। जब हनुमान जी राता लक्ष्मण के लिए बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में वो बैठा भक्त पाया काल ने मी कहाया, राम का भक्त असली, राम का भक्त असली पास नकली के आया, राम का भक्त असली पास नकली के आया, जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में काल नेमी राक्षस
भगवान श्री राम के, भगवान श्री राम के नाम का जाप कर रहा था। हनुमान जी ऊपर होकर के जा रहे थे, तो हनुमान जी ने सोचा तो ये तो भाई कोई भगवान श्री राम का भक्त है। तो हनुमान जी नीचे उतर के आए, और जब हनुमान जी ने उस काल नेमी को पहचान लिया, उस काल नेमी को पहचान लिया, तो हनुमान जी ने एक अवसर और दिया, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, चला जा। लेकिन वो काल नेमी राक्षस नहीं माना। उसने सोचा कि अगर मैं वापस जाता हूं तो मुझे उधर रावण मार देगा, और अगर वापस में नहीं जाता हूं तो इधर में हनुमान मुझे मार देंगे। कहे जीपी शर्मा, कहे जीपी शर्मा, चुरा के चीज जिसने बिगाई है। कहे जीपी शर्मा, चुरा के चीज जिसने बिगाई है। इधर में